आई गाइज़ अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ये वीडियो की एक सीरीज है जिसमें ऑलरेडी दो वीडियो मैंने बना दी हैं अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने दो वीडियोज़ देखिए तभी आपको समझ में आएगा और रियल लाइफ के स्टडी है एना की तो पार्ट टू में हमने देखा कि कैसे जो डॉक्टर ब्रार हैं वो एना को ट्रांस में लेके जाते हैं हिप्नोसिस अप्लाई करते हैं और एना के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं जिसको टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस होती थी टेम्प्रेरी डेफनेस थी इनफैक्ट उसको राइट साइड में पैरालिसिस था वो सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो डॉक्टर बरार सक्सेसफुल एना को ट्रीट कर देते हैं और वो उसकी मदर को बोलते हैं कि अब मेरा ट्रीटमेंट कम्प्लीट हुआ ठीक है इनफैक्ट बहुत मेहनत की थी उन्होंने एना के ऊपर सुबह शाम दोनों टाइम ट्रीटमेंट किया था तो कहते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया एना वो गुड बाय बोलते हैं एना भी उनको थैंक्स बोलती है तो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको खाने पीने का ध्यान रखने की ज़रूरत है और थोड़ा रेस्ट करिए तो आप कम्प्लीटली कुछ टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो ये कह के डॉक्टर बरार फाइनल गुड बाय करके एना को अपने घर आ जाते हैं तो अब घर आ जाते हैं काफ़ी खुश भी थे कि सक्सेसफुली उन्होंने एना को ट्रीट किया अराउंड डेढ़ साल के आसपास उन्होंने काम किया था एना के ऊपर और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा तो बहुत खुश थे कि एना ठीक हो गई है कुछ दिन निकल जाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है रात का टाइम होता है साढ़े सात आठ बजते हैं डॉक्टर बरार अपनी वाइफ़ के साथ बैठे होते हैं वो डिनर करने वाले थे इतने में बहुत तेज़ उनका जो दरवाज़ा होता है घर का दरवाज़ा खटखट की आवाज़ आती है कोई खटखटाता है बहुत तेज से आवाज़ आती है तो डॉक्टर बारे को समझ में नहीं आता वो एकदम से उठ के जाते हैं उन्हें लगता है पता नहीं क्या हो गया ऐसी कौन सी एमरजेंसी है कि इतनी तेज तेज कोई दरवाजे पर खटका रहा है तो इतने में वो देखते हैं कि जो ऐना की मेड थी वो वहाँ पर थी दरवाजे पर और काफ़ी घबराई हुई है क्या हुआ है मतलब आपको इतनी रात को आने की ज़रूरत पड़ गई क्या ऐसा हो गया तो मेड कहती है कि ऐना की तबीयत बहुत ख़राब है बहुत ख़राब है उसकी तबीयत तो प्लीज़ आप चलिए अभी चलिए टाइम नहीं है उसकी मदर ने आपको भी बुलाया है तो डॉक्टर वाले को समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट क्या हो गया अब ठीक थी ठीक, ठीक, एना कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट एकदम से क्या हो गया उसको तो कहते हैं अपनी वाइफ को कि मैं जा रहा हूँ ठीक है जल्दी वापस लौटूंगा वो आते हैं ऐना के पास तो वो देखते हैं कि ऐना को ना वापस हिस्टीरिया का अटैक पड़ता है वो सेम तरीके से उसका जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो होता है चीखना चिल्लाना अपने कंट्रोल में ना रहना वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं सब कुछ रिलैप्स हो जाता है तो डॉक्टर बराड़ बोलते हैं सबको कि आप लोग सब बाहर जाइए तो जैसे ही सब रूम के बाहर जाते हैं तो डॉक्टर बराड़ पूछते हैं ऐना से कि क्या हुआ मतलब आपको क्यों हो रहा है ये सब शांत हो जाओ ऐना शांत होती है लेकिन वो एक बात बोलती है अब वो जो बात बोलती है उसको सुनने के बाद डॉक्टर बराड़ जो है ना एकदम हैरान हो जाते हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है ऐना बोलती है डॉक्टर बराड़ को कि आपका बेबी मेरे पेट में है आपका बेबी मेरे पेट में है अब डॉक्टर बराट को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि कभी भी उनका इस तरह का रिलेशन बना ही नहीं था एना के साथ ठीक है कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था उनका एना के साथ इनफैक्ट ऐना ने कभी भी सेक्स के टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करी थी ठीक है तो ये बात उनको समझ में नहीं आती कि जो बंदी बिल्कुल कभी उसने पूरे ट्रीटमेंट के दौरान इस टॉपिक पे बात ही ना की हो कुछ इस तरह का उनका रिलेशन रहा ही नहीं ऐना के साथ तो उस तरह की बात क्यों बोल रही है कि आई एम गोइंग टू गिव बर्थ टू योर बेबी आपका बेबी मेरे पेट में ऐना को फिर वो ट्रांस में लेके जाते हैं और ऐना से कहते हैं कि आप शांत हो जाओ ठीक है नॉर्मल हो जाओ आप जब आप सुबह उठोगे तो ये चीज़ जो है आपके दिमाग में नहीं रहेगी और आप कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाओगे तो उसको रिलैक्स करके वो बाहर आ जाते हैं रूम के और वो उसकी मदर को बोलते हैं कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा ट्रीटमेंट मेरी साइड से ख़त्म हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक वो रिलैक्स हो जाएगी और फिर ये कह के घर आ जाते हैं और ये बात सस्ती उसके बाद से डॉक्टर बराड़ ने दोबारा कभी या वो ट्रीट नहीं किया लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो डॉक्टर बराड़ ने बिल्कुल फर्म रेजोल्यूशन ले लिया कि मैं आज के बाद को ट्रीट नहीं करूंगा इसका सवाल का जो जवाब है ये अपने आप में एक बड़ा मिस्टीरियस है तो उसका जवाब मैं आपको एंड में दूंगा वीडियो के थोड़ा बीच में भी और चीज़ें हो रही हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं तो अब ना यहाँ पर एक तरह से कहानी में एंट्री हो रही है फ्रॉइड की फ्रॉइड की एंट्री कैसे हो रही है देखिए एना थी अराउंड तेईस साल की फ्रॉइड थे अराउंड छब्बीस साल के ठीक है तो जिस टाइम डॉक्टर ब्रा रहना का ट्रीटमेंट कर रहे थे फ्रॉड इस टाइम पर पढ़ाई कर रहे थे न्यूरोलॉजी की लेकिन फ्रॉइड को ना खाली मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं था उनका इंटरेस्ट ह्यूमन माइंड को समझने में भी था कि जो ह्यूमन माइंड है वो साइकोलॉजी के लेवल पर कैसे काम करता है है क्या एग्जैक्टली exactly? थाट्स कैसे आ रहे हैं और कैसे इंसान को चला रहे हैं इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं इन चीज़ों में फ्रॉड का बहुत इंटरेस्ट था अब फ्रॉइड का इंटरेस्ट हिप्नोसिस में क्यों आया क्योंकि पेरिस में जिस साइकेट्रिस्ट के पास गए थे ना सीखने हिप्नोसिस वहाँ पे इन्होंने उसे ना एक बंदे को हिप्नोटाइज़ करते हुए देखा था और ड्यूरिंग हिप्नोसिस जब वो बंदा हिप्नोटाइज था तो वो जो साइकड्रिस्ट है उसने ना उसको कुछ चीज़ें बोली थी कि जैसे कि जब तुम होश में आओगे तो तुम अपना राइट हैंड उठा नहीं पाओगे राइट हैंड तुम्हारा पैरालाइज हो जाएगा जबकि वैसे ठीक है उसके राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग हिप्नोसिस उसको सजेशन दिया गया था बंदे को कि तुम जब नॉर्मल हो जाओगे नॉर्मल स्टेट में आओगे तो तुम राइट हैंड उठा नहीं पाओगे तो सच में राइट हैंड उठा नहीं पाता जब नॉर्मल स्टेट में आता है ना तो डॉक्टर बोलता है उसको जो साइक्रेट्रिस्ट है वो बोलता है कि भाई तुम तो अपना हाथ उठाओ राइट हैंड उठा नहीं पाता रीजन उसको भी नहीं मालूम है ऐसा क्या हुआ फिर दोबारा उसको हिप्नोसिस में लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तुम तो अपना राइट हैंड उठा पाओगे फिर तो जैसे ही उसको नॉर्मल स्टेट में लेके आते हैं तो अपना राइट हैंड उठा लेता है तो यहाँ से फ्रॉइड को मालूम बढ़ता है अरे हिप्नोसिस तो बड़ा पावरफुल है बड़ी पावरफुल चीज़ है यानी कि हमारा जो माइंड है जो हमें दिखाई दे रहा है जो कॉन्शियस माइंड है जिसको हम देखते टाइम बोलते टाइम ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ है कोई एक ऐसा हिस्सा भी है हमारे माइंड का जो हमारी पकड़ में नहीं है और वो बड़ा पावरफुल है तो यहाँ से फ्रॉइड को ना आइडियाज उसको बहुत पहले से आने स्टार्ट हो गए थे ठीक है तो तीन महीने के आसपास वो वहाँ रहा हिप्नोसिस सीखा फिर वापस अपना जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाला रीजन है वहाँ पे आ गया था अब होता क्या है कि फ्रॉइड से दोस्ती थी डॉक्टर बरार की तो डॉक्टर ब्रार ने ना फ्रॉइड से एना भी किसका बहुत डिस्कशन किया फ्रॉइड का ऐसा मानना था कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका रीज़न होता है सेक्स को रिप्रेस करना और एंगर को रिप्रेस repress करना रिप्रेशन ऑफ एंगर एंड सेक्स ठीक है तो फ्रॉइड को ऐसा लगता था इसी की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब उन्होंने है ना करके सुना डॉक्टर बराड़ से तो उनको समझ में आया यहाँ आपके जो रोल है वो लिबिडो का नहीं है ठीक है इसका लिंक रिप्रेशन ऑफ सेक्स से नहीं है इसका लिंक दूसरे इमोशन से तो पहली बार फ्रॉइड को ये चीज़ समझ में आई कि जो हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है वो किन्नी और वजह से भी हो सकती है ठीक है तो यहाँ पे ये जो इंसाइट्स हैं डॉक्टर ब्राड से जो मिल रही थी वो बहुत उसके लिए यूजफुल साबित हुई जब उसने फिर बाद में काम किया साइकोनलिस पे इनफैक्ट एना के केस के बाद ही ना फ्रॉयड ने एक किताब पब्लिश की थी जो कि पहली किताब थी साइकोनॉलिस पे जिसको बोला गया स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया स्टडीज ऑन हिस्टीरिया इसमें ही फ्रॉयड ने पहली बार यूज़ किया था वर्ड सबकॉन्शियस का रिप्रेशन का और साइको uh, अनलिसिस का पूरा उसने बहुत डिटेल में बताया था ठीक है तो ये पहली किताब है साइको अनलिसिस पर और इसमें कहीं ना कहीं जो रोल है वो एना की केस स्टडी का ही है डॉक्टर बराड ने जो फ्रॉड से डिस्कशन किया पूरा एना की इसको यहाँ से फ्रॉड को बहुत स्ट्रॉग इंसाइट्स मिली थी अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे कि डॉक्टर बराड ने उस दिन के बाद एना का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया उसके दो रीज़न में मालूम पड़ते हैं और वो मालूम पड़ते हैं हमें लेटर्स से क्योंकि इन लेटर्स में फ्रॉयड ने जो डॉक्टर बराड के साथ डिस्कशन हुआ उसको डिस्कस किया था और फ्रॉयड की जो वाइफ थी ना मारथा उसका कनेक्शन था एना से अब लेटर्स से कुछ चीज़ें सामने आती हैं पहला तो ये सामने आता है कि डॉक्टर बराड जब एना का ट्रीटमेंट करते थे उसके बाद जब घर आते थे तो घर पर पूरे टाइम वो एना के बारे में बात करते थे कि एना ऐसी है एना ऐसी है एना वैसी है एना का नेचर ऐसा है एना की पर्सनैलिटी ऐसी है एना ऐसी बातें करती है एक तरह से वो खुद ही ऑप्सेस्ट हो गए थे एना से तो पूरे टाइम वो एना के बारे में बातें करते रहते थे अब ऑब्वियसली वो मैरिड थे उनकी वाइफ थी तो जब उनकी वाइफ ये चीज़ सुनती थी तो थोड़ा इनसिक्योर होती थी वो जेलस भी फील करती थी एना से ठीक है क्योंकि एक आदमी जब हर हाँ टाइम खाना खा रहा है तो उसके बारे में बात कर रहा है कुछ काम कर रहा है घर में तो उसके बारे में बात कर रहा है कहीं बैठा हुआ है लेटा हुआ है तो उसके बारे में बात कर रहा है तो उनकी वाइफ को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और जेलसी होती है और ये चीज़ उनको हिंट लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर ब्रार का एना की तरफ एक लाइकिंग है प्यार था या नहीं था वो नहीं कहा जा सकता लेकिन एक तरह की लाइकिंग थी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉग ऑप्शेशन था बिना उसके आदमी पूरे टाइम एक इंसान के बारे में बात नहीं कर सकता एक इंसान के बारे में सोच नहीं सकता दूसरा इस चीज़ पर आते हैं कि एना ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया जबकि उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था एना और डॉक्टर ब्रार के बीच में फिर एना ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया कि डॉक्टर ब्रार आपका बेबी मेरे पेट में है उसका रीज़न ये था कि डॉक्टर बरार ने, ने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया था एना को सुबह शाम दोनों टाइम ट्रीट करते थे केयर बहुत ज़्यादा किया ठीक है तो इतना ज़्यादा वो जो केयर था ना इतना ज़्यादा जो अटेंशन था तो उन्हीं सब स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ना एना ने भी फील किया था इसलिए उसको ऐसा लगने लगा था आउट ऑफ केयर फॉर डॉक्टर बरार कि उनका जो बेबी है वो उसके पेट में है अब देखिए इसमें एक एक बड़ी चीज़ मिस्टीरियस निकल के आती है जब मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था मिस्टीरियस क्या थी जैसे ही डॉक्टर बरार उस रात के बाद अपने घर गए थे एना को ट्रीट करके उसके नेक्स्ट डे ही वो हनीमून पे चले गए अपनी वाइफ के साथ ठीक है सेकंड हनीमून था ऑब्वियसली शादी उनकी हो चुकी थी वो उन्होंने एक तरह से सेकंड हनीमून मनाया अपना अपनी वाइफ के साथ और वहाँ पे उस हनीमून में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है उससे एक लड़की होती है तो ये अपने आप में कितनी स्ट्रेंच चीज़ है एक रात पहले एना उनको ये बात बोल रही है कि मेरे पेट में आपका बेबी है उसके नेक्स्ट डे वो अपनी वाइफ के साथ जाते हैं हनीमून मनाते हैं उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और अपनी वाइफ से उनको एक बेबी होता है तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री है कॉन्फिडेंस कह लीजिए क्या है ये कह पाना बहुत मुश्किल है मैं भी जब उसको पढ़ रहा था केस को तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या ठीक है और जो लड़की उनको हुई थी अपनी वाइफ से वो लड़की साठ साल बाद जाके मालूम पड़ता है कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म करती है तो बड़ी एक अजीब सी कहानी से निकल के आई है ठीक है समझ में नहीं आता कि जो नेचर है वो कैसे वर्क करता है जो इंसान का जो माइंड है कॉन्शियस फोर्सेज हैं सब कॉन्शियस फोर्सेज हैं वो कैसे काम करती हैं ये कोई नहीं जानता ह्यूमन माइंड और नेचर ये अपने आप में बहुत मिस्टीरियस हैं डॉक्टर ब्राड से ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिन तक तो एना है ना ठीक रहती हैं लेकिन बाद में उनके सिम्टम्स वापस रिलैप्स होते हैं और दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि उनको मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़ता है लेकिन आप जान के हैरान होंगे उनकी स्टोरी आगे जाके कितनी इंस्पायरिंग है वही है ना जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी और जिसको मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़ा वही है ना बाद में जाके वो ठीक हो जाती है और बाद में जाके बहुत सारा सोशल वर्क करती है सोशल वर्क कैसे करती है जैसे बहुत सारे ना जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए वो एक अनाथ आश्रम खोलती है और बहुत सारी विमेन जिनको फोर्सफुली सेक्स ट्रेड में पुश किया जाता है उनको बचाती हैं और उनको एजुकेट करती हैं ठीक है थीके? उनको बहुत तरह से हेल्प करती हैं ठीक है थीके? तो सोशल कॉज में इनका बहुत बड़ा नाम आता है इनफैक्ट एक टाइम पर इतना बड़ा नाम हो गया था कि इनको नेशनल लेवल पर प्राइजेज़ मिले ठीक है तो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ने इनको प्राइज़ दिया तो बाद में जो इनकी स्टोरी है ना वो टर्न लेती है और बहुत इंस्पायरिंग हो जाती है तो उससे एक चीज़ ये भी मालूम पड़ती है कि लाइफ में आदमी कुछ भी हो सकता है एक आदमी हो सकता है जिसको इनिशियल प्रॉब्लम्स हो ठीक है उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो लेकिन बाद में जाके वो इंसान एक बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ जी सकता है वो ऐसा भी हो सकता है कि जिसको लोग याद रखें जिसके नाम पे नेशनल लेवल के अवार्ड्स दिए गए हैं तो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन माइंड दोनों अनप्रिडिक्टेबल है आप नहीं जानते कि चीज़ें किस तरह से टर्न लेंगी। तो ये था आज का वीडियो अगर कुछ कहानी आगे बनती है ना की तो आपको बताऊँगा अदरवाइज़ एना की स्टडी को हम यहीं पर एंड करेंगे थैंक यू